का भी हम लोग बहुत ही ज्यादा खतरनाक जगह है, मैंने आप लोगों को बता दिया। हाँ तो भाई अभी मैं लेने जा रहा हूँ उमर को, और उमर के घर पहुँचते हैं अंदर, उधर आप लोगों को मिलते हैं। हाँ तो भाई अभी हम लोग पहुँच चुके हैं उमर के घर के बाहर, और इधर से हम लोग उमर को लेंगे एंड देन फिर हम लोग जाएंगे सीधा लाहौर रेलवे स्टेशन की तरफ। तो बस उमर को पिक कर लें देन मिलते हैं आप लोगों को लाहौर रेलवे स्टेशन पर। आ जाओ जी। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं लाहौर रेलवे स्टेशन, और अभी हम लोग अंदर एंटर हो रहे हैं, तो एंट्रेंस भी आप लोगों को दिखाते हैं। आप लोगों ने मेरे पिछले व्लॉग्स में देखी होगी वैसे, लेकिन फिर भी दिखा देते हैं। हम लोग मेन गेट से एंटर होते हैं एंड देन आप लोगों को सारे प्लेटफॉर्म्स और सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं। लेट्स गो। एक इन्होंने गेट की एंट्रेंस रखी हुई है क्योंकि दूसरा गेट बंद है। स्टेशन में हम लोगों ने अंदर एंटर होना है, तो अंदर एंटर होने के लिए प्लेटफॉर्म टिकट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ना लें तो भी चले भी जाते हैं वैसे, लेकिन ले जाएँ तो रूल्स के अकॉर्डिंग चल सकते हैं। प्लेटफॉर्म टिकट के लिए ये हमारा बूथ है मेन, तो इधर से हम लोग प्लेटफॉर्म टिकट ले लेते हैं एंड देन अंदर जाते हैं और आप लोगों को सारा व्यू करवाते हैं स्टेशन। प्लेटफॉर्म टिकट आ चुके हैं दो हमारे पास, और अब हम लोग अंदर चलते हैं। आज तो दे देते हैं मुझे। अंदर एंटर होने के लिए ये है मेन रूट टाइम टेबल। लेडीज से नहीं जेंट्स से जाना। चलो अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल आर डूइंग इट। तो आज हम लोग आप लोगों को रिव्यू करवाएंगे लाहौर रेलवे स्टेशन का, हम लोग आप लोगों को रिव्यू करवाएंगे। बहुत से लोग लाहौर रेलवे स्टेशन के बारे में बहुत सी उल्टी सीधी चीज़ें कहते हैं, वो ये कि भाई रेलवे स्टेशन पे कोई ज़्यादा क्या होता है इंप्रूवमेंट नहीं हुई, जो अंग्रेज़ बना के गए थे वही रह गए। तो भाई ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा चेंजेस आई हैं जो कि आप लोगों को नहीं पता, मैं आप लोगों को उसके बारे में बताऊँगा, और आज की वीडियो इसी बारे में होने वाली है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। हाँ तो भाई अभी हम लोग पहुँच चुके हैं रेलवे स्टेशन के बिल्कुल टॉप पे। लाहौर दुनिया के 50 बिजिएस्ट तरीन रेलवे स्टेशन में से एक है, और पाकिस्तान के खूबसूरत तरीन रेलवे स्टेशन में से एक है। और आप लोग अभी देख सकते हैं हम लोग प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर हैं, और इसके बाद हम लोग जाएंगे दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे उस पर। तो आ जाओ आप लोग को साथ लेकर चलते हैं। और एक और बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात वो ये कि भैया जी बहुत से लोग कहते हैं आप लोगों को इधर ना रेलवे स्टेशन पर मेडिकल की सहूलत मौजूद नहीं है, तो मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि इधर आप लोगों को फार्मेसी की सहूलत भी मौजूद मिली है, ताकि अगर कोई भी इमरजेंसी हो तो आप लोगों को फर्स्ट एड किट तो तकरीबन मिल ही सकती है। लाहौर के रेलवे स्टेशन पर तकरीबन 9 प्लेटफॉर्म है, और ये वही 9 प्लेटफॉर्म है जो कि अंग्रेज़ बना के गए थे। हाँ इस बात पे मैं आप लोगों के साथ इस्तफादा करता हूँ, उर्दू का वर्ड इस्तफादा, वाह। 9 प्लेटफॉर्म है जो अंग्रेज़ बना के गए थे, इसके अलावा प्लेटफॉर्म में इजाफा नहीं हुआ। अभी हम लोग प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर हैं, और बिल्कुल साथ इसके प्लेटफॉर्म नंबर 3 है। तो आप लोगों को प्लेटफॉर्म नंबर 3 दिखाते हैं, आ जाओ। आप लोगों को जो मैंने बात बोली थी कि मेडिकल की सहूलत आप लोगों को मिलेगी, तो हेयर वी गो। मेडिकल स्टोर तमाम अद्वियात दस्तियाब हैं। जो लोग कह रहे थे कि मेडिकल की सहूलत नहीं है इधर, तो ऐसा नहीं है ब्रो, मेडिकल आप लोगों को मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे, जो जिधर ट्रेन आ चुकी है पहले। अब ये ट्रेन पता नहीं है कौन सी ट्रेन है, पता करते हैं, आ जाओ। तो अभी हम लोग ट्रेन का पता लगा रहे हैं कि भाई ये ट्रेन कौन सी है, किधर जा रही है, हमें भी नहीं पता। खैर कोई कूली भी नज़र नहीं आ रहा, बड़ी हैरानगी की बात है कि कूली वरना आसपास फिरते रहते हैं। मे भी हो सकता है ट्रेन काफ़ी देर की आके लगी हो, जिसकी वजह से कूली होके भी चले गए हों और दोबारा नहीं आएंगे मे भी। तो पता करते हैं ट्रेन किधर जा रही है, कौन सी है। सो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, वो चेक करो, इधर आ, एक सीन दिखाता हूँ। नाजरीन दे सकते हैं आप लोग, ट्रेन का ट्रेन के दूसरे डब्बे जो हैं वो आके साथ लगेंगे, आप लोगों को वो सीन भी दिखाते हैं। मे भी आप लोगों ने किसी वीडियो में ना देखा हो, वो देखो। आवाम ने किस तरह देख रही, फिर नहीं लगा। तो ब्रो
इस तरह लगते हैं डब्बे आपस में। तो आ जाओ आगे चले। हाँ तो भैया अभी हम लोग इनसे पूछ रहे कौन सी ये ट्रेन कौन सी है। जाफर कोयटा। जाफर कोयटा कोयटा जा रही है भाई जान। ये ट्रेन कोयटा जा रही है। हम लोगों ने पता लगवाना था तो लगवा लिया पता। और अभी हम लोग प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे हैं और अब चलते हैं 6-7 प्लेट पे। हाँ तो जी अभी आप लोग हम लोगों ने दिखाया प्लेटफॉर्म नंबर 6 और प्लेटफॉर्म नंबर 5 और 2 एंड देन ये जो जिस पे मैं अभी चल रहा हूँ ये 3 प्लेटफॉर्म नंबर 3 है। और अब आप लोग लेके चलेंगे अपने प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर जो कि मतलब कि इतना रेनोवेट नहीं है जिस तरह पहले आप लोगों ने दो प्लेटफॉर्म देखे जिस तरह के वो थे। और अभी आप लोगों को लेके चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर। इधर भी कोई ट्रेन नहीं है बिल्कुल सामने से मेट्रो ट्रेन गुजर रही है। देखो यार इंडिया में इसको मेट्रो ट्रेन कहते हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर आ गए हैं अभी हम लोग और इधर कोई भी ट्रेन नहीं आई खाली बैठे हुए वहाँ बस एग्जैक्टली यही सीन है अभी। तो अभी इधर कोई भी ट्रेन नहीं है मैं भी इधर से आ भी सकती हैं ट्रेन बहुत ख़तरनाक सीन है। लेकिन एक बहुत ज़्यादा ये ट्रेन का कुछ हुआ है तो खैर अभी हम लोग ट्रेन पंचर हो गई बहुत ही ज़्यादा खतरनाक जगह पे घूम रहे हैं क्योंकि इधर से ट्रेन आ भी सकती है। लेकिन अभी फिलहाल कोई ट्रेन नहीं है। इतनी तो अक्ल है हमें कि भाई जैसे ट्रेन आएगी हम लोगों ने साइड पर हो जाना है। और आप लोग एक और बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात कि भाई इस बात पर भी मैं एग्री करता हूँ कि लाहौर रेलवे स्टेशन पे जितने भी ये जो ट्रैक्स बने हैं ये वही अंग्रेज़ों के बनाए हुए ट्रैक्स हैं। कुछ चेंज नहीं हुए कुछ पहले चेंज हो चुके थे। काफ़ी ऐसे रेलवे स्टेशन हैं जो जिधर मैंने पहले जर्नीज की हैं जिधर उधर मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि भाई उधर ट्रैक्स चेंज हो रहे होते हैं दूसरे ट्रैक्स लग रहे हैं उधर। लेकिन इधर अपने लाहौर रेलवे स्टेशन पर अभी तक वही ट्रैक्स लगे हुए हैं क्योंकि मे बी चल रहे होंगे वो काम देते होंगे तो चला रहे हैं। लेकिन करना ही होनी चाहिए क्योंकि काफ़ी टाइम के लगे हुए हैं 70 साल हो चुके हैं तो अब तो मे बी चेंज कर देने चाहिए। तो खैर इधर शूट वगैरह भी चल रहे हैं ऑलरेडी मॉडल्स वगैरह के। तो हम लोग चलते हैं ऊपर अपने स्टेशन पे ही पटरियों पे। बहुत ज़्यादा गर्मी है इसकी पटरियों की अपनी एक तपिश है पता नहीं क्यों। तो आ जाओ चलें चलो वाह ब्रो प्लीज़ प्लीज़ होल्ड इट गई। तो अभी हम लोग एंटर हो चुके हैं जाफर के अंदर और अगर हम लोग यहाँ से निकल गए कोयटा के लिए तो फिर हम चले जाएंगे कोयटा। और ये देख सकते हैं आप लोग ट्रेन मुड़ी हुई है पूरी ठीक है। पीछे इंजन है तकरीबन 2 डब्बों के बाद और हेलो हेयर भी आ गया ठीक है। आओ उधर चलते हैं दूसरी साइड देखो यहाँ पर शूट भी चल रहा है ठीक है ऑलरेडी। तो यहाँ से सारा कार्गो लोड होता है और कार्गो का डब्बा बिल्कुल इंजन के साथ होता है और देख सकते हैं आप लोग कार्गो लोड हो रहा है। ये रेफ्रिजरेटर जा रहा है कार्गो के डब्बे के अंदर। आप लोगों को दिखाते हैं ट्रेन का इंजन मानेगा कि ओहो इंजन बिल्कुल नया है और इसकी पावर्स वगैरह आप लोगों को दिखा देते हैं। ट्रेन के ड्राइवर तो हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देंगे फिलहाल। ये है भैया जी ट्रेन का इंजन। ये है सारी भैया जी ट्रेन की डिटेल्स। तो ये रही सारी ट्रेन की डिटेल्स। मैं आप लोगों को डिटेल्स इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि मुझे इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है इतनी ज़्यादा। तो खैर मैंने आप लोगों को बता दी ये ट्रेन तो अभी कोयटा के लिए निकल रही है ये चले जाएगी अभी थोड़ी देर में और हम लोग आप लोगों को रेलवे स्टेशन की चाय पिलाते हैं। आ जाओ कुछ इस तरह से दिखता है आप लोगों को कार्गो का डब्बा अंदर से। तो अभी हम लोग जाते हैं चाय पीने के लिए। लेट्स गो चलो ये लाइफ होगी। तो अभी हम लोग एंटर हो चुके हैं बिजनेस क्लास में और इसके तो अभी हम लोग जैसे एंटर होके निकलेंगे बाहर और बस इसको शौक है बहुत ज़्यादा अंदर आने का ट्रेन में। पहले कभी मे भी आया नहीं है ये वॉशरूम ये है अभी एसी स्टैंडर्ड ठीक है। ट्रेन चलना जाए जल्दी जल्दी निकल जाते हैं। इसको बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है अंदर एसी वाली ट्रेन के अंदर घुस के। ये बिजनेस क्लास थी जिसमें अभी हम लोग एंटर हुए थे और इसके बाद ट्रेन ख़त्म हो जाती है आगे बिल्कुल आखिरी डब्बे हैं बिजनेस क्लास के। आधा बार ख़त्म हो गई है ट्रेन बस ख़त्म है आगे ट्रेन ही मुक गई। ये है इसका इलेक्ट्रिक रूम जो कि कहते हैं जिधर से पावर जनरेट होती है सारी उसके लिए बिजली के लिए। पावर बैंक कहा जाता है। हाँ तो भैया लोग हम लोग पिलाएंगे आपको क्यों पिलाएंगे खुद ही पिएंगे
मैंने मे भी वैसे पानी पीना था, लेकिन अभी मैं चाय पीऊंगा ट्राई करने के लिए, क्योंकि सिर्फ आप लोगों को दिखाना है कि चाय कैसी है लाहौर रेलवे स्टेशन की। और हमारे साथ इस दफ़ा रिव्यू के लिए उमर भी मौजूद है, तो अभी हम लोग लेते हैं चाय और एक अदद कोल्ड ड्रिंक। हाँ भाई, एक चाय दे दो। कितने की चाय है? चाय 30 रुपये की। 30 रुपये की ये नेशनल रेट है। मैं जितना भी मैंने जर्नी की है, जब भी मैंने जिधर भी गया हूँ उधर भी 30 रुपये की चाहिए हर प्लेटफॉर्म पे। कुछ एक आधे प्लेटफॉर्म है जिधर 40 रुपये की देते हैं, लेकिन मोस्टली 30 रुपये, क्योंकि इनके रेट बाहर से चेंज होते हैं। वो इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट ही देगा, टैक्स पे करने पड़ते हैं। सो चाय बन रही है। बाय बाय। कॉस्टिंग कितने की है? 80 रुपये। ये मैंने पता नहीं कौन से ब्लॉग में लास्ट जो मैंने बनाया था कराची से लाहौर तक का ब्लॉग, उसमें मैंने आप लोगों को स्टिंग का रेट बताया था, वो भी यही रेट था। ये 30 चाय और ये स्टिंग। पहले हम थोड़ी सी बोतल पियेंगे, फिर हम थोड़ी सी चाय पियेंगे। और चाय में हम लोगों को मलाई भी दस्तियाब है ब्रो, ये देखो। तो ये बहुत अरसे बाद हुआ ऐसा कि मुझे चाय बहुत अच्छी लगी है। लाहौर की चाय यू नो ब्रो ब्रांड है। तो अभी हम लोग बैठते हैं कहीं पर और वहाँ पर बैठ के चाय पीते हैं और बोतल पीते हैं। हाँ तो भाई, आप लोगों को एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात बतानी थी जो कि रह गई थी। बात वो ये कि कुछ साल पहले जो इधर ट्रैवल कर चुके हैं, जिन्होंने लाहौर स्टेशन रेलवे स्टेशन की वीडियोस बनाई हैं, उन लोगों ने बिल्कुल भी नहीं बताया लाहौर रेलवे स्टेशन में कितनी तरक्की हो चुकी है। तो ब्रो मैं आप लोगों को बताऊँगा वो तरक्की कितनी हो चुकी है। आप लोग मेरे पीछे देख सकते हो, इन्होंने अपनी एक ब्रांच खोल दी है खाने की। मतलब पहले ऐसा कोई सीन नहीं था, ठीक है। पहले हम लोग आते थे रेलवे स्टेशन पे, आपको नजर नहीं आता था। इवन अभी तक अभी जो लाहौर रेलवे स्टेशन में KFC की ब्रांच खुल चुकी हैं और बहुत से मैकडोनल्ड्स वगैरह नहीं आए। खैर, KFC की ब्रांच तो आप लोगों को मार्स पे भी नजर आएगी, तो लाहौर रेलवे स्टेशन पर भी उसकी एक ब्रांच खुल चुकी है और आप लोग उसको अंदर का रिव्यू करवाते हैं। आ जाओ। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो, ये आप लोगों को सारा खाने नज़र आ रहे हैं, चेक कराओ ब्रो। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ये अभी न्यू ब्रांच की प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे बिल्कुल आप लोगों को नजर आएगी, न्यू रियल कबाना होटल। कि कितनी देर पहले ये, मैं कुछ टाइम पहले आया था तो नहीं था ये? 2 महीने पहले। बिल्कुल 2 महीने पहले देखा, एग्जैक्ट वही। मैं 2 महीने पहले मैं इधर ट्रैवल करके गया हूँ तो मुझे बिल्कुल नजर नहीं आई थी। अभी बिल्कुल नहीं खुली है, तो इनके रेट्स भी अच्छे ही होंगे। आप लोग ये ना सोचना बहुत एक्सपेंसिव होंगे, तो भाई KFC से तो बहुत सस्ते होंगे ना। मुनासिब रेट है जैसा कि इन लोगों ने आप लोगों को बता दिया। तो ये देखिए अंदर का रिव्यू आप लोगों को सारा नज़र आ रहा है, लाइटिंग वगैरह और ये सब काफ़ी ज़्यादा अच्छा हुआ है। तो आगे चलते हैं, आप लोगों को आगे का रिव्यू देते हैं। तो एक और बात, कुछ टाइम पहले आप लोगों को यहाँ पर पानी के फिल्ट्रेशन प्लांट भी नज़र नहीं आए थे। सो हियर वी गो। पानी और ठंडा पानी, ये भी नहीं कि भाई पानी सिर्फ ऐसे ही पानी है, सिर्फ गर्म पानी है, ऐसा नहीं, ठंडा पानी है बिल्कुल और पीने के लायक पानी है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और आप लोगों के साथ ही नज़र आ रहा है। दैट्स इट फॉर टुडे। आप लोगों को जो दिखाना था मेन वो ये था, और अभी आप लोगों चलते हैं बाहर, मिलते हैं। और कहा जाता है पाकिस्तान रेलवे की डेली इनकम जो है 50 to 40 lakhs है। ये मैंने कल परसों पढ़ा था इसके बारे में, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को बता दूं। ये है डेली रेवेन्यू 40 to 50 lakhs पर डे। काफ़ी ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि नहीं दिखा सके आवाम को जल्दी, कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो नहीं दिखा सका, जो दिखा दिए पर थैंक यू कह देना मुझे, ठीक है, कमेंट्स में। और अगर आप लोग इस तरह की और वीडियो चाहिए हो तो मुझे ज़रूर बताएं। बाकी मिलते हैं बाहर। सो अभी हम लोग निकल रहे हैं बाहर की तरफ, आप लोगों को लॉबी का थोड़ा सा व्यू करवाते हैं। तो ज़रा लॉबी के सिनेमैटिक्स देखें। लॉबी में आप लोगों को अलाइड बैंक की एक ब्रांच भी नज़र आएगी, मतलब कि अलाइड बैंक का ATM भी नज़र आएगा आप लोगों को, और अलाइड बैंक के अलावा कोई और ATM नहीं नज़र आएगा आप लोगों को। यहाँ पर पीछे मेरे व्यू नज़र आ रहा है, ये है हमारे लाहौर रेलवे स्टेशन का व्यू, और ये काफ़ी देर पहले का बना हुआ है, इसीलिए इसमें आप लोगों को बिल्कुल एक मस्जिद टाइप लुक और एक तारीखी लुक नज़र आ रही है, जिसके कैसल टाइप ना, जिस तरह बादशाहों के ज़माने में नहीं किले होते थे उनके इधर, जैसे कि बादशाही मस्जिद है, मीनार पाकिस्तान और शाही किला वगैरह, इस तरह का टेक्सचर दिया हुआ है इन लोगों ने। क्लॉक टावर भी है, चेक करो, चल रही है ब्रो, चल रही है, क्लॉक्स चल रही हैं अभी भी। और वो लोग जो कहते थे कि भैया जी पाकिस्तान रेलवेज़ ने बिल्कुल तरक्की नहीं की, या वो लोग जो कह रहे थे पाकिस्तान रेलवेज़ उधर ही रह गए, तो ऐसा नहीं है। तकरीबन 2 साल हो गए हैं मैं ट्रैवल कर रहा हूँ और मैं खुद चेंजेस देख रहा हूँ पाकिस्तान रेलवेज़ में, बहुत ज़्यादा चेंजेस आई हैं। और हाँ, अगर कंपेयर किया जाए इंडिया के जितने भी व्यूवर्स होते हैं मेरे कमेंट सेक्शन में, वो जो कहते हैं कि भैया जी हमारा रेलवे स्टेशन ऐसा है तो हमारा वैसा है, तो ब्रो ऐसी बात नहीं है, हमारे भी इधर तरक्की हो रही है। मतलब बिल्कुल ही ऐसा ना समझो तुम लोग, जैसे समझने लगे वैसी बात नहीं है। सो पीस, यू नो, पीस इज़ इम्पोर्टेंट। आ जाओ।
जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मेरे बिल्कुल पीछे आप लोगों को नजर आ रहा होगा लाहौर का रेलवे स्टेशन। सो दिस इज द रेलवे स्टेशन ब्रो। अभी हम लोग निकल रहे हैं घर की तरफ, छोड़ दे भाई कैमरा, तो मिलते हैं अब घर पे। बहुत शुक्रिया आपने इतनी मेहनत की और हमारे साथ वीडियोस बनाई। बाकी हम लोग पार्किंग में जा रहे हैं, फौरन निकाल के दिखा दो पापा। बाकी आप लोग मोटरसाइकिल की पार्किंग से जैसे ही बाहर निकलेंगे और कार पार्किंग के बिल्कुल साथ ही आप लोग का रिजर्वेशन सेंटर नज़र आ जाएगा आप लोगों को, जैसे कि आप लोग मेरे पीछे देख सकते हैं। चलते हैं अभी हम लोग अपने घर की तरफ, काफ़ी टाइम हो गया हम लोग इधर घूम रहे हैं, तो लेट्स गो। हाँ तो भाई फाइनली अभी हम पहुंच चुके हैं घर, और अगर आप लोगों की वीडियो अच्छी लगी देन मेक श्योर टू गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप, और अगर इस वीडियो पे अच्छी रीच आई यानी कि 1000 व्यूज उसने क्रॉस किए तो आप लोगों को एक जर्नी की वीडियो ज़रूर मिलेगी। तो बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। सर मेरा नाम मुजाहिद है। मुजाहिद, तो मुजाहिद भाई के पास आप लोग आएँ जब भी, और रेलवे स्टेशन पर जब भी आप लोग आएँ तो मुजाहिद भाई के पास ज़रूर आइएगा।